पक्का है ना, दिल तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं। पक्का ना? देख लो अभी आ रहा हूँ, आप यहीं बैठ जाओ बाबू। हाँ यहीं बैठ जाओ आप, ठीक है? जाना मत, लेकिन जो जगह दिल में तुम्हारी है ना वो कोई नहीं लेगा आज के बाद। सच में दिल रो रहा है, अभी आके रोऊंगा तुम्हारे पास। ओह एक्सक्यूज मी, हाय माय नेम इज यश, आपका नाम क्या है? माय नेम इज गुनगुन। गुनगुन बहुत प्यारा नाम है आपका। गुनगुन आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो या बाहर से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो, यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक मिनट मैं बैठ जाऊँ। यार गुनगुन पता है एक्चुअली आई एम न्यू इन दिल्ली, तो कितना बुरा लगेगा आपको कि दिल्ली में हो के आप एक किसी बाहर वाले का दर्द नहीं समझ सकते? मतलब यार अभी मैं जैसे मैंने दिल्ली में आया था तो एक ऑटो वाले ने मुझको लूट लिया यार। उसके बाद मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, उस कंपनी ने मुझको लूट लिया यार। फिर मुझे लगा कि मुझे ना एक दोस्त की ज़रूरत है जो मुझे लूटने से बचा सके। एक दो लड़का दोस्त बना तो उसने क्या किया यार, वो दारू पार्टी में ले गया, क्लब में अच्छा बिल बनवा दिया कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का। फिर मैंने कहा अब यार ये सब छोड़, तुझे ना एक लड़की दोस्त की ज़रूरत है, एक नॉर्मल फ्रेंड की जो मुझे लूटने से बचा सके और मुझे बता सके कि कौन इंसान कैसा है दिल्ली में, मुझे कहाँ इंटरव्यू देना चाहिए कहाँ नहीं। मैंने ना कॉल करी थी पिलर के नीचे, वो लगे रहते हैं ना जॉब मिल जाएगी आपको गारंटेड, वहाँ पे कॉल करी थी, वहाँ हुआ था मेरे साथ ये स्कैम। तो मैं ये चाहता था कि क्या आप मेरी दोस्त बन सकते हो, सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड यार, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी हेल्प करूं या आपकी दोस्त बन सकूं। मतलब मैं आप मुझे बता सकते हो ना? क्या बता सकते हो आप मुझे और चीज़ों से बचा सकते हो? मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बोल तो रही हूँ कि मैं आपकी दोस्त बनूं, मतलब वेली बैठी हूँ मैं। बट यार आपको आपको बुरा नहीं लगेगा कि कोई मासूम सा लड़का है उसको लोग लूट रहे हैं? क्यों बुरा लगेगा यार, जैसे मैं बैठा मुझे एक छोटा सा कनेक्शन सा फील हुआ इतनी देर में आपके साथ में, आपको नहीं हुआ? मुझे ऐसा लगा कि यही वो हम सफर या यही वो दोस्त है जो मुझे बता सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है यहाँ पे। मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो मुझे ऐसा कनेक्शन क्यों फील होगा? तो मतलब हम दोस्त नहीं बन सकते हैं? नहीं, मतलब मैंने गलत जगह ट्राई किया है। हाँ, मुझे नहीं बनना। देखो आप सोच लो, रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे। रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, जो भी है नहीं करना। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वेली थोड़ी ना हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं वेली थोड़ी ना हूँ जो इन चीज़ों में पढ़ूंगी। नहीं करते आप, हेल्प नहीं करते? नहीं। अच्छा तुम्हारे साथ मैं क्यों स्कैम करूंगा यार? मैं थोड़ी ना करूंगा स्कैम। क्या पता कर दो के, चलो कोई नहीं। आर यू श्योर ना नहीं करनी? हाँ नहीं करनी। माय बैड लक यार, वो सिस्टर है आपके? नहीं मैम, बैड। अच्छा मैम, एक्सक्यूज मी, हाय माय नेम इज यश, आपका नाम क्या है? अंशु। यार आपने सुनी मेरी सारी बातें? हाँ, सुन तो रही थी। यार आपको बुरा नहीं लगता कि कोई लड़का लुट रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। आपने अपने जीवन में किसी की हेल्प की है कभी? हाँ, बिल्कुल करी। करी है? अच्छा, लेकिन दूर से आप बहुत एटीट्यूड वाले लग रहे थे। अब भाई देखने में तो सभी एटीट्यूड वाले लगते हैं, मैं हूँ नहीं भाई। आप हो नहीं? तो यार मेरे को ना एक अच्छे से दोस्त की ज़रूरत है, सिर्फ नॉर्मल दोस्त, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस इमरजेंसी में मेरी कॉल उठा लिया करना आप के। आप अभी, आपके अभी तक दिल्ली में दोस्त ही नहीं बनी? बनाया था, मैंने बताया तो था कि वो लड़का बना था, उसने भी क्लब के चक्कर दिखा दिए, बिल बनवा दिया, लुटवा दिया, तो इसलिए मैंने सोचा एक लड़की होगी ना तो वो मुझे बुरे रास्तों पर जाने से बचाएगी। नहीं, लड़कियाँ पैसे खाऊ भी होती है। लड़के पैसे खाऊ भी होती है यार, पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, यहाँ भी एक बार अपने आप को आजमाना चाहता हूँ मैं। तो बाय, एनी चांस आप सिंगल हो? ओके, कैन आई गेट योर नंबर? यस श्योर। ओके, परेशान नहीं क्या करूँगा मैं आपको? परेशान करोगे तो मैं पीट भी दूंगी ना आपको। अच्छा, आप पीट भी दोगे? अंशु इज योर निकनेम और लाइक कुछ और नाम? अंशु नेम है, बाकी रियल नेम भूमिका है, बट अंशु घर में सब बोलते हैं। ओके, नाइस। अंशु यार थैंक यू सो मच। एंड पता है आज मैंने क्या सोचा था कि जो मेरी दोस्त बनेगी ना मैं उसको एक खूबसूरत सा सरप्राइज दूंगा।
हम खुद लूटे हुए, आप क्या सरप्राइज। नहीं, मैंने सोचा था कि यार देखो कभी कभी होता है कुछ, हमें ऐसे लोग लूट के चले जाते हैं, हम चाहते नहीं है, और कभी कभी किसी से हम खुद लूटना चाहते हैं। डोंट वरी, बस एक वो सरप्राइज है जो डिजर्व करते हो आप, कि बिना सोचे समझे एकदम हाँ कर दिया। चॉकलेट या यही होगा, क्या होगा? नहीं, एक बार आप अपनी आंखें बंद करो, करो तो सही। चाकू नहीं है, गला नहीं काटूंगा मैं आपके। कर ली? ओके, थ्री बोलने पे खोलना। वन टू थ्री। तो मेरे पास एक खूबसूरत सा आईफोन आपके लिए। आप ऑलरेडी लुट चुके हो और आप क्यों इतना कर रहे हो? नहीं, ये आपके लिए है। सॉरी, मैं नहीं ले सकती। ये मैंने सोचा था कि जो मेरी दोस्त बनेगी ना उसके लिए है ये। अब आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, आप क्या कह रहे हो? अब यहाँ आके बताओ ना। अभी आप मुझसे बात कर रहे थे ना? हाँ। तो मेरे को सोचने का टाइम तो देते, आप डायरेक्ट उनसे पूछने चले गए। मतलब आप तो खुद ही ऐसे हो कि मतलब तो ये ले लो आप अंशु ना। अरे वन मिनट, आप हाँ। खुद ही ऐसे हो कि आपने एक लड़की को देखा फिर दूसरी लड़की के पास चले गए। मैंने तो आपसे बोला था ना, आप थोड़ा सा सोच लो यार। तो मैं तो सोच ही रही थी। ये दे दो यार, ये इनके लिए है ना यार। क्यों इनके लिए है? आपने मुझे पहले बोला था ना। बोला तो था आपको इनको देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि करवा चौथ आ रहा है, व्रत रखूंगी फ्रेंड, पर आपने तो डायरेक्ट ही उनके पास चले गए। फिर मतलब करवा चौथ का व्रत रखोगे मेरे लिए? हाँ, मैं सोच रही थी सीरियसली कि रिलेशन बढ़ेगा आगे। बट आपने मुझे ऐसा बताया नहीं यार। ये लाइन सुन के तो मेरा दिल पिघल गया यार। अंशु, ऐसे तो शायद आपने भी नहीं सोचा, इन्होंने मेरे लिए करवा चौथ का भी सोचा। आपने सोचा था ऐसा? अभी तो आपका एज अ फ्रेंड ही मतलब यार, आपका दिल बहुत प्योर है यार। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात करूँ, आप डायरेक्ट उधर चले गए, ये क्या मतलब हुआ? नहीं गुनगुन, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। देखो, उन्होंने करवा चौथ तक का सोचा था मेरे लिए, पता आज तक ये लाइन मेरे पब्लिक किसी ने भी नहीं सोची। बट सुनो, आपने जब इतना सोचा था, मैं एक छोटी सी चीज़ चाहता हूँ यार आपसे। देखो, अब इनसे फ्रेंडशिप तो हो गई है, एक मिनट ये आप रखो प्लीज़ यार, प्लीज़ अंशु आप माइंड मत करना। सुनो, देखो मैंने ना कॉफ़ी का प्लान बनाया था जो मेरी दोस्त बन जाएगी, तो मैं इनके साथ ना ही कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। ये आप रख लो, मैं इनसे पी के पक्का यहीं पे आ रहा हूँ, फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। बट ये करवा चौथ वाली लाइन है, सिर्फ इसकी वजह से मैं तुमसे बात करूँगा, याद रखना। दिल तो नहीं तोड़ोगी? नहीं। तो मैं आ रहा हूँ फिर, है ना? दिल तो नहीं तोड़ोगे ना? नहीं। पक्का ना? देख लो, अभी आ रहा हूँ, आप यहीं बैठ जाओ बाबू। हाँ, यहीं बैठ जाओ आप, ठीक है? जाना मत, तुम कितनी मासूम हो यार। पहले बताए थे तुम करवा चौथ तक चली गई। मैं आपसे बात करने जा रही थी, बट आप यहाँ चले गए बात। तुमने मेरा दिल जज्बात सब बदल दिया। बट कॉफ़ी पहले इनके साथ, दोस्त हो ना, इतना तो मैनेज कर सकते हो ना। इनकी मेरी दोस्ती आगे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? लेकिन जो जगह दिल में तुम्हारी है ना, वो कोई नहीं लेगा आज के बाद। सच में दिल रो रहा है, अभी आके रोऊंगा तुम्हारे पास। आ जाओ आप, आ जाओ यार, हाथ पकड़ के ले जाऊँ? हाँ मैं आ रहा हूँ बस। रे तो लग गए हो, दिल मिले बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे लेख किस्मत ने बार बार रोल वखिया, तेनू वेख जो न सखिया। अबे यार गाइज, अब की बार तो क्लियर देख लेना चाहिए था कि बॉक्स फटा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसे की चमक और आईफोन की चमक लोगों को अंधा कर देती है। तो किस चीज़ को ये चमक पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, और ट्राई करते हैं यार। अब ये बॉक्स तो ख़राब हो गया है, नया लाना पड़ेगा।